Hello everyone, today we are going to start with a new series, The Factory Act 1948. हमने अपनी मॉड्यूल का सेक्शन बी स्टार्ट कर दिया है आज, जिसका हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्टडी नोट 6 में फैक्ट्री एक्ट 1948. तो ये अप्लाई कब हुआ था हमारे इंडिया में, ये फोर्स में कब आया था, 1 अप्रैल 1949 पर. तो पहले हम देखते हैं कि इस एक्ट को बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, ये एक्ट क्या चीज़ें प्रमोट करने के लिए बनाया गया, क्या सिचुएशंस लॉ मेकर ने उस टाइम फेस की जिस वजह से ये लॉ बना. तो ये हमारा 1948 का एक्ट है, हमारे जस्ट इंडिपेंडेंस होने के बाद एक साल बाद का. तो उस टाइम क्या होता था, जब नया नया हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो उस टाइम पर इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं थी, नौकरियां नहीं थी, लोग पुअर थे, ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं हुआ करते थे. तो उस टाइम पर जो एक तरीके से उसे आप फॉर एग्जांपल एक पुअर किसान हुआ करता था, जिससे उसका मालिक कर्जा ले लेके उसकी पूरी लाइफ ही उसका कर्जा चुकाने में निकल जाती थी. इनफैक्ट उनके बच्चे फिर उनके भी बच्चे सिर्फ उसका कर्जा ही चुकाते रहते थे ब्याज के साथ. तो ऐसी सिचुएशन हुआ करती थी. जो वर्कर हुआ करते थे उनके हेल्थ इश्यूज होने लगे, वर्किंग आवर का कोई अता पता नहीं था उनको, 24 घंटे वो काम करवाते रहते थे. वर्कर्स का पुअर लोगों का वॉयलेशन किया जाता था, उनसे डेंजरस काम करवा के उनके पास कोई सेफ्टी इश्यूज हुआ करते थे बहुत. तो ये सब चीज़ों को देखते हुए कि लोगों का वॉयलेशन कर रहे हैं, जो पावर में लोग हैं वो अपने से छोटे लोगों का वॉयलेट कर रहे हैं, अपनी पोजीशन का अपने पावर का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, इस चीज़ को देखते हुए इनके रिगार्ड्स में जब वो प्रॉब्लम फेस की गई तो हमारा ये एक्ट बना, दी फैक्ट्रीज एक्ट 1948. इस एक्ट का बेसिक काम ही यही है कि वर्कर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, provides for them improvement of working condition within the factory premises, adequate safety measures and to promote the health and the welfare of the workers. ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं. और ये मैंने अभी बताया था कि अप्लाई कब हुआ था, फोर्स में कब आया था, 1 अप्रैल 1949 को. और ये होली इंडिया एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो. तो इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद हमें इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन दे रखी हैं, जिसको लॉ में बहुत डीपली लिखा हुआ है. तो सेक्शन 2 क्लॉज CA हमें बताता है कम्पीटेंट पर्सन के बारे में, ऐसा कौन कौन से पर्सन्स हैं जो कम्पीट कर सकते हैं एक वर्कर की पोजीशन के लिए. और आ पर्सन और एन इंस्टीट्यूट, वो एक पर्सन भी हो सकता है और इंस्टीट्यूट भी हो सकता है. रिकॉग्नाइज बाय द चीफ इंस्पेक्टर कौन होता है, ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उस पोजीशन पे कौन सा पर्सन रहेगा. कैरिंग आउट द टैक्स एग्जामिनेशंस एंड द इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड टू बी डन इन अ फैक्ट्री अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. तो इसका फर्स्ट पॉइंट है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन एंड फैसिलिटेट अवेलेबल एट डिस्पोजल. इन सेकेंड वन इज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड इन सच इंस्टीट्यूशन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल. वो पर्सन एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो जो फैक्ट्री है जो उसके अंदर जो भी होल्डर है उसका जो भी ओनर है उसके रिलेशन में हो, पर्सन इन अ रिलेशन टू द फैक्ट्री. इसके बाद है हमारा हजार्ड प्रोसेस. हजार्ड प्रोसेस क्या होता है, कई ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जिसमें जो काम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी फैक्ट्री में नेल पॉलिश होता है, मतलब जो आपकी कीलें होती हैं वो पॉलिश की जाती हैं, तो उनके जो साउंड है जो उनका केमिकल है वो इतना डेंजरस होता है कि वो किसी वर्कर की जान भी ले सकता है. तो अगर वहाँ पर प्रॉपर रेमेडीज ना लगी हों तो वर्कर की जान को खतरा रहता है. ये सेक्शन 2 क्लॉज CB हमें बताता है हजार्ड प्रोसेस के बारे में.
जहाँ पर अनलेस स्पेशल टेकर स्पेशल केयर इज टेकन, जहाँ इनको सिक्योरिटी देनी चाहिए वहाँ नहीं दी जाती। इसमें क्या क्या आ सकता है? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स, फिनिश गुड्स, बाय प्रोडक्ट, वेस्टेज और इन्फ्लुएंस। वेस्टेज जैसे अब कई कई फैक्ट्रियों में ऐसा काम होता है जिनका जो वेस्ट निकलता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। अगर उसको सही तरीके से डिकम्पोज नहीं किया जाए, सही तरीके से उसको ख़त्म नहीं किया जाए, तो वो हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। कई तरीके के पोल्यूशन इससे जनरेट हो सकते हैं फैक्ट्रीज में। जैसे आप देखते हो कि एयर पोल्यूशन तो होता ही है, ये तो मेन फैक्टर है ही, उसके अलावा भी बहुत तरह के पोल्यूशंस होते हैं। जो हमने अभी हजार प्रोसेस पढ़ा वो अभी आगे और आएगा, तो उसको थोड़ा सा और डीपली थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा सेक्शन 2K कवर करता है। जो हमारी फैक्ट्रीज एक्ट हैं उसमें सारी वो फैक्ट्रीज आती हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आती हैं। जहाँ कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा वहाँ हमारा फैक्ट्रीज एक्ट लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो हमारा सेक्शन 2K डिफाइन करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके फर्स्ट पॉइंट में मेकिंग, कोई चीज़ बनाना, ऑल्टरिंग, किसी चीज़ में बदलाव करना। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसको काट के आपने उस लॉक से या तो फर्नीचर बना दिया या बेड बना दिया, तो उसका आपने ऑल्टरेशन किया है। किसी चीज़ को रिपेयरिंग करके उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, ऑर्नामेंटिंग, किसी चीज़ को घिस के किसी रॉ मटेरियल को उसमें चेंज उसको चेंज करना फिनिश गुड में, पैकेजिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग अप, किसी को टुकड़ों में तोड़कर उसको बेचना, डिमोलिशिंग और अदरवाइज ट्रेडिंग और अडेप्टिंग एनी आर्टिकल और सब्सटेंस विद अ व्यू टू इट्स यूज, जिसमें ये सब काम तो आते ही हो। ऊपर से वो जो आर्टिकल है वो हमारा क्या क्या और कवर करता है? अगर हम सेल ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आएगा, डिलीवरी भी उसी के अंदर आएगा, डिस्पोजल भी उसी के अंदर आएगा। और इसके अंदर क्या क्या आ सकता है? या तो वो ये सब काम के अंदर आता हो, या सेकेंड वन इज पंपिंग ऑयल, ऑयल को पंप करना, वाटर को करना सीवेज। पंपिंग ऑफ ऑयल से क्या कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जो डैम से वाटर लेती हैं बहुत ही हाई क्वांटिटी में और उसको स्मॉल स्मॉल टाउन में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, तो दैट्स अ पंपिंग ऑफ वाटर, ऑयल, सीवेज और एनी अदर सब्सटेंस। थर्ड वन इज जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग और ट्रांसमिटिंग पावर, जनरेट करना इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट जो किया जाता है, ट्रांसफॉर्मिंग उसको बदलाव लाना उसके अंदर, ट्रांसमिशन मतलब उसको हाई वोल्टेज में हाई क्वांटिटी में लेकर स्मॉल स्मॉल टाउन में डिस्ट्रीब्यूट करना। फोर्थ वन इज कंपोजिंग, टाइप ऑफ फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग कैसे हो सकती है? प्रिंटिंग बाय लेटर प्रेस, लिथोग्राफी, फोटोग्रावर और अदर सिमिलर प्रोसेस, और बुक बाइंडिंग भी इसी के अंदर आता है। अगर आप ग्रुप ऑफ पीपल एक रूम में बैठ के बुक बाइंडिंग का काम कर रहे हैं तो उसको भी हम फैक्ट्री कहेंगे। उसके बाद हमारे फिफ्थ पॉइंट कवर करता है कंस्ट्रक्शन, अगर कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आता है। रिकंस्ट्रक्ट करना किसी चीज़ को, रिपेयर करना, रीफिटिंग करना, उसको फिनिशिंग देना, ब्रेकअप करना, ब्रेकअप शेप्स एंड वेसल्स। देन हमारा लास्ट पॉइंट कवर करता है प्रिजर्विंग और स्टोरिंग एनी आर्टिकल इन अ कोल्ड स्टोरेज। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई गोडाउन है, मान लो कोई चॉकलेट का बिजनेस करता है और अगर वो बहुत ही हाई क्वांटिटी में उसको स्टोर कर रहा है, वो स्टोर तो एक कोल्ड जगह ही की जाएगी, तो उसको भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंडर माना जाएगा। अगर किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही कवर नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही नहीं हो रहा होगा, तो उनको उसको हम इस एक्ट के अंदर कवर नहीं करेंगे। जितने भी पॉइंट्स बताए हैं ये आपको एज इट इज़ लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार इन पर केस स्टडीज आ जाती हैं।
इसके बाद हमारा एक बहुत ही फेमस, बहुत ही लैंडमार्क केस स्टडी है, काजी नरूल हसन हामिद हुसैन पेट्रोल पंप वर्सेस डिप्यूटी डायरेक्टर। तो एक बार एक काजी नाम का प्रैक्टिशनर होता है, उसकी एक बहुत बड़ी सी काइंड ऑफ फैक्ट्री या आप कह लो बिजनेस चला रहा होता है वो। तो एक बारी वहीं पास से एक इंस्पेक्टर गुजर रहा होता है, उसका जो काम होता है वो होता है पेट्रोल पंप का। वो एक हाई क्वांटिटी में पेट्रोल पंप लेके उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब वो इंस्पेक्टर देखता है कि वहाँ 16 से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं विद एड ऑफ द पावर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो इंस्पेक्टर उसको कहता है कि तुम पे तो फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल होता है, तुम्हारा ESI भी तुम पर एप्लीकेबल होता है। वो उसको एक नोटिस देता है। तो काजी इन रिटर्न कहता है कि हम तो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर आ ही नहीं सकते, हम उसके प्रोविजंस के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे अंदर यहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कोई चल ही नहीं रहा, हम तो कोई चीज़ बना ही नहीं रहे। मेरा तो पेट्रोल पंप का बिजनेस है, मैं एक हाई क्वांटिटी में लेता हूँ और लोगों की कंजम्पशन के हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट करता रहता हूँ। तो जब ये केस कोर्ट में पहुँचा तो कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो मैन्युफैक्चरिंग की हमारी डेफिनेशन है, वो एंड प्रोसेस या फिनिश प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हो तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई उससे नई चीज़ ही बनाओ। मैन्युफैक्चरिंग का सिर्फ ये मतलब नहीं है। जो हमारी 2K की डेफिनेशन है वो बहुत ही वाइड है। देन सेकंड पॉइंट इज कि आपके यहाँ 100 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं विद द एड ऑफ पावर, तो आप फैक्ट्री एक्ट के अंदर कवर होते हो। अभी फैक्ट्री एक्ट हम फैक्ट्री की एक्ट में फैक्ट्री की डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे। तो ये 16 जो एम्प्लॉयज़ हैं जो इसको लेके वो जजमेंट दे रहे हैं, इसका क्या, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो हम आगे देखेंगे। तो ये था हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का केस स्टडी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है वर्कर की डेफिनेशन। जो वर्कर की डेफिनेशन है वो सेक्शन 2L के अंदर कवर होती है। सेक्शन 2L डिफाइन्स अ टर्म वर्कर एज अ पर्सन एम्प्लॉयड डायरेक्टली और बाय और थ्रू एनी एजेंसी, या तो वो डायरेक्ट हो एम्प्लॉय या इनडायरेक्ट हो। डायरेक्ट मतलब कि जो मैनेजमेंट है उसने उसको डायरेक्ट अपॉइंट किया हो, या इनडायरेक्ट मतलब या तो वो किसी एजेंट के थ्रू काम कर रहा हो या किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, विद और विदाउट नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। अगर वो इनडायरेक्टली किसी प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ है, किसी फैक्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको पता नहीं है कि जो उसका मेन जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो कौन है, क्योंकि वो किसी एजेंट या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वहाँ काम कर रहा है। वेदर टू रेम्यूनेशन और नॉट, या तो आप उसे प्रॉपर रेम्यूनेशन, उसकी वेजेस, उसकी सैलरी उसे प्रोवाइड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब इसके अंदर क्या आ सकता है, या तो वो कोई एम्प्लॉय हो जिसको आप, जनरल सी बात है कि आप सैलरी देते ही होंगे, या अगर आप नहीं देते तो उसके अंदर कौन आ सकता है, या तो वो कोई ट्रेनी हो जिससे आप काम करवा रहे हो। इन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इन क्लीनिंग एनी पार्ट ऑफ द मशीनरी और प्रेमाइसेस यूज फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसमें जो भी वो काम कर रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर ज़रूर आना चाहिए। और इन एनी काइंड ऑफ वर्क इंसिडेंटल टू और कनेक्टेड विद द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अगर वो डायरेक्टली उसके प्रोसेस के अंदर नहीं आ रहा तो उससे मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी टॉफीज की फैक्ट्री है, तो जो बना रहा है वो तो वर्कर के अंदर आएगा ही। जो अलग से हमने एम्प्लॉयज़ लिए हुए हैं जो प्रॉपर उसकी पैकिंग के लिए सिर्फ रखे हुए हैं या फिर उसकी मार्केटिंग के लिए रखे हुए हैं, वो भी वर्कर के अंदर इंक्लूड होंगे। और द सब्जेक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फैक्ट्री के बाहर हमने कोई सिक्योरिटी गार्ड रख रखा है, तो उसका एज सच प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग से कोई रिलेशन नहीं है, पर वो इनडायरेक्टली उसके अंदर ज़रूर अपना इन्वॉल्वमेंट दे रहा है, तो येस वो भी वर्कर की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होगा। बट डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन,
कोई भी आर्मी का पर्सन इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता, उनके लिए अलग लॉज है, उनके लिए अलग एक्ट्स हैं। तो इस वर्कर के डेफिनेशन में मैं आपको 2 से 3 केस स्टडीज़ कराऊंगी, हम बुक की केस स्टडी नहीं ले रहे। हमारी फर्स्ट केस स्टडी का नाम है लोकल गवर्नमेंट वर्सेस नजरवांजी। तो गवर्नमेंट और नजरवांजी जो है उसका बिजनेसमैन है। तो क्या होता है कि एक पर्सन, मान लो फॉर एग्जांपल मिस्टर ए किसी फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है, उसका काम क्या होता है वहाँ पर, गिनिंग ऑफ कॉटन, मतलब जो कपास का दाना होता है उसमें से दाना अलग करना, और जो हमारी कपास है जो हम यूज़ करते हैं कॉटन, वो अलग करना, उसको प्रॉपर पैक करना, जो वो वहाँ पे एज अ एम्प्लॉय लगा होता है, वहाँ पर जो वो काम कर रहा होता है, वो डायरेक्ट मैनेजमेंट ने उसे अपॉइंट नहीं किया होता, वो किसी मर्चेंट का एम्प्लॉय होता है, मतलब इनडायरेक्टली कंपनी में काम कर रहा होता है। तो कोर्ट का क्या जजमेंट होता है, अब कोर्ट के पास ये क्वेश्चन है कि क्या हम उसे वर्कर की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे, तो उसका जजमेंट होता है येस, द फैक्ट्री एक्ट अप्लाइज बिकॉज अ वर्क इज कनेक्टेड विद अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। पहला तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इसलिए वो इस फैक्ट्री के एक्ट के अंदर अप्लाई होगा, और दूसरा वो एक इनडायरेक्ट एम्प्लॉय था, वर्कर था, इसलिए भी उस पर एक फैक्ट्री एक्ट लगा जाएगा। हमारा सेकंड केस स्टडी का नाम है शंकर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस स्टडी के अंदर क्या होता है कि एक पांडुरंग नामक एक पर्सन होता है जो कि वर्कर होता है, वो एक फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। उसका काम क्या होता है उस फैक्ट्री के अंदर, कि जो बीड़ी आप जानते होंगे बीड़ी, उसको रोल करना, प्रॉपर रोल करके मैनेजमेंट को देना। मैनेजमेंट के पास ये पूरा राइट होता है कि अगर वो गलत कर रहा है तो उसको पूरा ट्रेन करें, बताएं कि आपने ये कैसे किया है, और उसके जो वेजेस थे वो पर यूनिट के हिसाब से थे, कि मतलब दिन में ऐसी कोई लिमिट नहीं थी कि आपको 100 या 200 बीडी के बंडल्स बना के जाना ही जाना है। आप एक बनाओ तो आपको एक के हिसाब से पैसा मिल जाएगा, 500 बनाओ तो 500 के हिसाब से पैसे मिल जाएगा। और उसके पास ये पूरी छूट थी कि वो फैक्ट्री में ना जाके घर से भी काम कर सकता था, पर अगर उसको रेगुलरली मान लो 10 दिन की छुट्टी पे जाना होता था, तो उसको अपने मैनेजमेंट को, जो भी वहाँ का मैनेजर था, जो भी ओनर था, उसको परमिशन ना लेके उसको जस्ट इन्फॉर्म करना होता था कि मैं काम छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं बस इतने दिन की लीव पर जा रहा हूँ। तो ये जजमेंट जब दिया कोर्ट ने, जब ये केस कोर्ट में पहुँचा, तो कोर्ट के पास ये क्वेश्चन थे कि क्या हम इसको सबसे बड़ी बात की एम्प्लॉय मानेंगे, क्या ये वर्कर की डेफिनेशन के अंदर आता है, क्या इस पर फैक्ट्री एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो वहाँ का जो मैनेजमेंट था वो उसको क्या बताता था, सिर्फ कि बीडी रोल कैसे करनी है, बीडी का जो पत्ता है उसको कैसे स्टीम करके कैसे उसको रोल करना है, 2 बारी करना है, 5 बारी करना है, उस पर कैसे धागा लपेटना है, उसको कैसे स्ट्रिक करना है। तो क्या सिर्फ ये बताना, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंडर कवर होता है, क्या मैनेजमेंट के पास ये पावर है, ये अथॉरिटी है कि वो उसके मैनर को कंट्रोल कर सकती है पांडुरंग को। तो कोर्ट ने अपने आंसर में ये कहा कि जो मैनर ऑफ वर्क है वो बहुत ही वाइडर एम्बिट में है, उसके अंदर क्या करना है, कैसे करना है, किसको करना है, कब करना है, ये सब एक मैनेजमेंट अपने वर्कर को बताती है। तो क्या हम पांडुरंग को एक वर्कर मानेंगे या इंडिपेंडेंट वर्कर के अंदर उसको कवर किया जाएगा। तो कोर्ट का सेकंड बात उसने ये कही कि केस में भी हम पांडुरंग को वर्कर मान सकते थे, बट उसको क्या क्या बातें फुलफिल करनी पड़ती, ही शुड बी अ रेगुलर, ठीक है, उसको ये नहीं कि उसका जब मन किया जब आ गया, जब मन किया जब वो चला गया। और सेकंड बात इस पहली बात तो थी कि
उसको प्रॉपर एक रेगुलर मेंटेन करके अपने वर्किंग आवर्स के अंदर रहना पड़ता। और अगर उसको हम ले भी लेते और अगर उसकी पीसीज जो है पीसीज रेट में भी कम, एटलीस्ट इफ इज अ रेगुलर, जो पीस रेट के हिसाब से जो उसको पैसे मिल रहे थे वो उसको वर्कर के अंदर कवर कर सकता था ये चीज, पर जो नंबर ऑफ पीसीज हैं अगर वो रेगुलर होते। लेकिन इसमें क्या था, वो एक दिन एक बनाता, किसी दिन 10, किसी दिन 1500, उसका कोई ये पर्टिकुलर परमानेंट नहीं था कि कितने पीसीज कितने यूनिट आपने एक दिन में तैयार करके देने हैं। तो ये जो प्रॉपर काम है ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंडर कवर नहीं करता। जो पांडुरंग है उसको हम वर्कर की डेफिनेशन के अंदर नहीं आ सकते, उस पर फैक्ट्री एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, वो है फैक्ट्री। सेक्शन 2M डिफाइन करता है कि क्या क्या ऐसी बाउंड्रीज हैं, क्या क्या एक लिमिटेशन है जो किसी बिजनेस को, जो किसी एक काम को फैक्ट्री बना सकती है। पहली चीज़ तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना ही चाहिए, तभी वो एक फैक्ट्री मानी जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमने जितने भी पॉइंट्स कवर किए थे उसमें से कोई ना कोई उसके अंदर कवर होना चाहिए। तो सेक्शन 2M डिफाइंस अ फैक्ट्री एज एनी प्रिमाइसेस इंक्लूडिंग अ प्रेजेंस थेरऑफ। अब इसमें दो टर्म्स यूज की गई है, पहला तो प्रिमाइसेस और सेकेंड वन इज प्रीसेंट। तो प्रिमाइसेस क्या होता है, पहले हम उसको देखते हैं। या तो कोई ओपन लैंड हो जो प्रॉपर, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई प्लांट हो, वहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो वर्कर के अंदर और वो प्लांट फैक्ट्री के अंदर इंक्लूड होगा। या तो वो कोई प्रॉपर बिल्डिंग हो जिसके अंदर काम चल रहा हो वो फैक्ट्री के अंदर आएगा, या फॉर एग्जाम्पल दोनों ही हो। मान लो एक ओपन लैंड है, उसमें एक थोड़ी सी जगह पर आपकी फैक्ट्री बनी हुई है और जो पूरी लैंड है अगर वहाँ कहीं पर या उस बिल्डिंग के अंदर, दोनों की बात हो रही है यहाँ, बिल्डिंग प्लस ओपन लैंड, ठीक है, अगर वहाँ कहीं भी ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है तो वो फैक्ट्री के अंदर इंक्लूड होगा। सेकेंड हमारा आता है प्रीसेंट। प्रीसेंट मतलब कि कवर विद अ फोर वॉल। अगर किसी चार दीवारी के अंदर जो काम चल रहा है उसके अंदर जितना भी स्पेस है, अगर उसके अंदर जो भी काम चल रहा है वो अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है तो वो भी फैक्ट्री के अंदर इंक्लूड होगा। फिर आगे हमें इसे दो चीज़ों में बाइफर्केट किया हुआ है। पहला तो आप देख रहे होंगे 10 और मोर वर्कर्स, और सेकेंड इज 20 और मोर वर्कर्स। तो पहले हम 10 और मोर वाला कर लेते हैं कवर। अगर किसी फैक्ट्री में 10 और मोर वर्कर्स काम कर रहे हों विद द एड ऑफ द पावर, ठीक है, विद द एड ऑफ द पावर मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से वो काम हो रहा हो, 12th मंथ, प्रिसीडिंग 12 मंथ के अंदर एक भी दिन अगर 10 या 10 से ज़्यादा लोग हैं उसके अंदर, तो वहाँ फैक्ट्री एक्ट एप्लीकेबल होगा। और लास्ट वन इज कि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलना चाहिए। तो 10 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग ऑन वेयर वर्किंग ऑन एनी डे ऑफ द प्रिसीडिंग 12 मंथ्स एंड एनी पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बींग कैरिड ऑन विद द एड ऑफ पावर और इट्स ऑर्डिनरी सो कैरिड ऑन। पहली तो ये कंडीशन है, 10 या 10 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, 12 दिन के अंदर, प्रिसीडिंग 12 मंथ्स के अंदर अगर एक भी दिन 10 या 10 से ज़्यादा लोगों ने उस फैक्ट्री में काम कर लिया, वहाँ काम कर लिया, तो वहाँ परमानेंटली अगर उसके बाद कभी भी काम नहीं किया है 10 या 10 से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर, मान लीजिए कि 4 वर्कर ही काम करते हैं रेगुलरली, लेकिन एक दिन बर्डन है ज़्यादा था तो कंपनी ने 10 या 10 से ज़्यादा लोग रख लिए उस फैक्ट्री में, सॉरी हम इसको कंपनी नहीं कहेंगे, तो वहाँ परमानेंटली एप्लीकेबल हो जाएगा। एक बार ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है तो हटता नहीं है। और सेकेंड इसकी कंडीशन हमें क्या दी हुई है, 20 और मोर वर्कर्स, या तो 20 या 20 से ज़्यादा लोग हों, ऑन एनी डे ऑफ प्रिसीडिंग 12 मंथ्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो, पर इसमें क्या ट्विस्ट है, विदाउट द एड ऑफ पावर, मतलब कि वो काम इलेक्ट्रिसिटी से नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई हैंडीक्राफ्ट का काम है, कोई पोर्ट बनाना है उसका काम है, तो वो फैक्ट्री के अंदर इंक्लूड होगा।
अब हम देखेंगे कि क्या क्या ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होते, बट डज नॉट इंक्लूड द माइंस सब्जेक्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द माइंस एक्ट 1952 और अ मोबाइल यूनिट. मोबाइल यूनिट मतलब कि जो कोई परमानेंट एक जगह स्टेबल काम नहीं है, इधर से इधर वो काम जाता रहता है. ठीक है, बिलोंगिंग टू द आर्म फोर्सेज इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती. रेलवे रनिंग जो है वो फैक्ट्री के अंदर नहीं आता. होटल, वहाँ पर भी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग ही होती है एक तरीके से, और 10 या 10 से ज़्यादा लोग ही होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, पर वो फैक्ट्री के अंदर नहीं आता. रेस्टोरेंट्स इसके अंदर नहीं आते, और एनी अदर ईटिंग प्लेस भी इसके अंदर नहीं आते. इसके बाद हमारे दो प्रोविजन और दे रखे हैं इसी के रिगार्ड. फॉर कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लोज, ऑल द वर्कर्स एंड डिफरेंट ग्रुप एंड रिले इन अ डे शेल बी टेकन इन टू अकाउंट. तो इस प्रोविजन के अंडर अगर फॉर एग्जाम्पल 6 6 6 6 आवर्स की शिफ्ट के बाद वर्कर चेंज होते हैं, तो टोटल 4 शिफ्ट हो गई, टोटल वर्कर हो गए हमारे 12. तो आप शिफ्ट चेंज चेंज करके तो काम करा सकते हो, लेकिन रेगुलरली किसी को 2400 घंटे 48 आवर्स इन अ डे काम नहीं करा सकते. सेकंड आता है हमारा, अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कि हमने पहले वाले केस में भी पढ़ा था कि हो रहा हो, तो वो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा. उसके बाद है हमारा द स्टेट गवर्नमेंट मे बी मेक अ रूल रिलेटिंग टू अप्रूवल लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज प्रॉपर. उसको जो फैक्ट्रीज हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. अगर कोई फैक्ट्री ऐसा नहीं करती है और उसके बिना ही कोई अपनी काम स्टार्ट करने लग जाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पूरा राइट है कि उसको डीरजिस्टर्ड कर दे, डिक्लाइन कर दे उसकी पावर्स को, उसको बैन भी कर सकती है. इसके अंदर हम अपना एक केस लॉ देखते हैं, वीपी गोपाला राव वर्सेस पब्लिक प्रोस्पेक्टर. इसके अंदर क्या होता है कि एक वर्कर होता है जिसका क्या काम होता है, स्ट्रिपिंग ऑफ तंबाकू लीव्स को सीधा करना. ठीक है, उसको प्रॉपर उसकी शेप में लाना पहले तो, और फिर उसको रोल करना. तो जो वो ये काम करते थे वो ये फैक्ट्री के अंदर, जो मेन फैक्ट्री है उसके अंदर नहीं करते थे. उसका एक अलग से ऑफिस था, उसको आप प्रेमाइसिस कह सकते हो, वहाँ वो काम किया जाता था, और 20 और 20 से ज़्यादा लोग वो ये काम करते थे. तो कोर्ट ने इस पर अपना क्या जजमेंट दिया है कि क्या ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है, तो हाँ ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है. क्या वो वर्कर्स जो वहाँ काम कर रहे हैं वो वर्कर के डेफिनेशन के अंदर वो पीपल्स फॉल करेंगे, तो हाँ वो करेंगे. और 20 और 20 से ज़्यादा हैं, विदाउट द एड ऑफ पावर काम हो रहा है, तो बिल्कुल करेंगे. और वो जो प्रमाइसिस है क्या वो फैक्ट्री की डेफिनेशन के अंदर फॉल करती है, हाँ बिल्कुल करती है, क्योंकि उसके अंदर जो भी काम हो रहा है वो फैक्ट्री के या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस प्रोडक्ट से ही रिलेटेड है. और इसके अंदर एक और चीज़ होती है कि अगर कोई जो मेन डिपार्टमेंट है अगर वो फैक्ट्री नहीं है, तो उसका जो प्रमाइसिस है जो उसके अंदर अदर अटैच डिपार्टमेंट होंगे वो भी फैक्ट्रीज की प्राइमिसेज उसको नहीं माना जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई हॉस्पिटल है, वो अपने साथ ही उसने अपनी एक लॉन्ड्री खोली हुई है अपने स्टाफ के लिए. ठीक है, तो वो एक तरीके से सोशल वर्क भी कर रहा है और हाइजीन के लिए भी वो काम कर रहा है. तो क्या अब हम जो वो लॉन्ड्री है उसको प्रमाइसिस माना जाएगा, तो नहीं वो प्रवाइसेज में नहीं आएगा, क्योंकि जो उसका मेन डिपार्टमेंट है वो है हॉस्पिटल जिसने उसको खोला हुआ है. तो हॉस्पिटल कोई फैक्ट्री नहीं है, तो उसके अंदर जो डिपार्टमेंट है उसको भी हम प्रमाइसेस नहीं मान सकते. तो ये थे हमारे 3 4 डेफिनेशंस जो हमने आज कवर की. इसके बाद इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द ऑक्यूपायर एंड द इंस्पेक्टर डेफिनेशन. थैंक यू टिल देन.